विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर ऐसा बयान दिया है जिस पर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी और हमारी क्या तुलना करते हो, वो दिन बीत गए जब दोनों देशों को समान रूप से देखा जाता था। विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान को किसी भी स्थिति में रास नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति वैश्विक परिदृश्य में लगातार बदल रही है। भारत की विदेश नीति तमाम देशों के साथ अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग समय में भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए तय की जा रही है। इसका परिणाम ये है कि भारत की सोच के प्रति विश्व का नजरिया बदला है, पाकिस्तान का भी। पहले की दुनिया अलग थी जब भारत और पाकिस्तान को समान नजरिए से देखा जाता था। अब वैश्विक परिदृश्य में ऐसा कोई नहीं करता है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी अब भारत और पाकिस्तान को एक समान रूप से नहीं देखते। एस जयशंकर के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदलती विश्व व्यवस्था में भारत का उदय विषय पर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे तमाम घटनाक्रम अब आपके जीवन को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए आपको पूरी तरह से सजग होना होगा। आप खुद को वैश्विक स्तर की घटनाओं से आइसोलेट करके नहीं रख सकते। G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिलने और वाराणसी में इससे संबंधित कार्यक्रमों के बारे में BHU के छात्रों के बीच बात करने पहुँचे डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक बदलावों के बारे में विद्यार्थियों को जानने और उनसे जुड़ने की जरूरत है। आज से 50 साल बाद भारत को आप कहां देखते हैं, इसके लिए इसी पीढ़ी को रोड मैप तैयार करना होगा। वर्तमान स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार कर लें। आपको उसके लिए पूरी तरह से तैयार करना होगा, सोचना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा। चुनौतियां आपके दरवाजे तक पहुंच रही हैं। COVID-19 का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हजारों मील दूर की घटनाएं भी अब आपके जीवन को सीधे सीधे प्रभावित कर रही हैं। आपको घरों में कैद होने को मजबूर कर रही हैं। यूक्रेन विवाद को भी आप देख सकते हैं, इसने भी लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। चीजों के दाम बढ़े हैं, कई देशों को आर्थिक तौर पर काफी क्षति पहुंची है। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन असर तो पड़ा ही है। खाद्यान्न से लेकर खाद की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है, तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। साफ है कि विश्व और आप सीधे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं।